हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो हम सबका बहुत ही फेवरेट होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने गाजर का हलवा बहुत ही आसानी तरीके से बनाया है, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बनाया है जो कि हमेशा घर में अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस गाजर के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो गाजर। इसे मैंने घिस लिया है और इससे कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए हलवा बनेगा। चीनी मैंने लिया है 200 ग्राम, ये मैंने मोटे वाले चीनी यूज़ किए हैं यहाँ पे। दूध मैंने लिया है 1 ग्लास यानी 300 ml। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो मैंने लिया 25 ग्राम काजू, उसे ऐसे थोड़ा सा तोड़ लिया है या काट लें। 25 ग्राम बादाम, उसे ऐसे लंबे शेप में काट लें। और घी मैंने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन गरम करें। पैन को हम हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे और जैसे ही पैन गरम हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। अब हम इसमें घी डालेंगे। गाजर का हलवा बनाने में हमेशा घी का ही यूज़ करें, तेल ना यूज़ करें। और घी को अच्छी तरह पिघल जाने दें। ये देखिए घी जो है वो पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये घिसा हुआ गाजर। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है यहाँ पे और ये मैंने पूरा गाजर डाल दिया है। गाजर का ये जो पानी है ये ना डालें, इसे फेंक दें और फिर ऐसे स्पून से मिक्स कर दें घी में गाजर को। जैसे ही गाजर घी में मिक्स होता है उसका कलर जो है वो चेंज होने लगता है। आप देख सकते हैं इसका कलर ऑरेंज होने लगा है और ये मैंने गाजर और घी को मिक्स कर दिया है। फिर से वापस इसे ऐसे मिक्स करें। हमें गाजर को 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, इसे कवर नहीं करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स करें, फिर थोड़ी देर रहने दें, फिर मिक्स करें और ऐसे करके हम इसे 20 से 25 मिनट तक लगातार भून लेंगे। 20 से 25 मिनट बाद हम देखेंगे कि गाजर का जो क्वांटिटी हमने लिया था वो उससे आधा हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमें गाजर को पहले पूरा गला लेना है, उसके बाद हम इसमें दूध चीनी वगैरह डालेंगे। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए लगातार ऐसे भूनेंगे। इसे चलाते रहें और आप देख सकते हैं कि ये जो गाजर है वो अपने आधे क्वांटिटी से भी थोड़ा सा कम हो गया है जितना हमने गाजर लिया था। ये देखिए ये जो गाजर है वो पूरा गल भी गया है, आप देख सकते हैं। और हमने जितना क्वांटिटी लिया था ये देखिए ये उससे कितना कम हो गया है। अब गैस का फ्लेम कम कर दें और इसके बाद हम इसमें ये दूध डाल देंगे। दूध को मिक्स कर दें अच्छी तरह। गाजर का हलवा जो है वो बहुत तरीके से बनाया जाता है। कंडेंस मिल्क के साथ बनाया जाता है, खोया के साथ बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे सिंपल प्लेन जो नॉर्मली हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल है उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये मैंने दूध को मिक्स कर दिया। अब हम पैन को कवर करके 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए एक बार मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर दिया। और वापस पैन को कवर कर दें और टोटल हमें दूध डालने के बाद 20 मिनट तक इस गाजर के हलवे को पकाना है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। 20 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए ये जो गाजर है वो पूरा अच्छी तरह दूध में पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मिला दें चीनी को अच्छी तरह। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो ही रखा है और ये मैंने चीनी मिला दिया। ड्राई फ्रूट्स भी हम चीनी के बाद ही डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम डाला है। आप चाहें तो अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। मिला दें इसे।
अब हम पैन को कवर करके इस हलवे को 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। बीच बीच में आप इसे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, चलाते रहें। अगर मैंने 20 मिनट बोला है तो 20 मिनट बाद ढक्कन ना हटाएं। बीच बीच में आप उसे चलाते रहें, चेक करते रहें। तो ये मैंने एक बार इसे बीच में चेक कर लिया, मिक्स कर दिया। वापस पैन को कवर कर दें और थोड़ी देर बाद वापस हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालने के बाद हमें इसे 15 मिनट ही पकाना था। अब ये जो हलवा है वो लगभग हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और लास्ट के 2-3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। ये देखिए, इसे थोड़ा थोड़ा आप मैश भी करते रहें तो हलवा जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, मैं जैसे कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। और आप देख सकते हैं ये जो हलवा है वो अच्छी तरह बन चुका है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट भी मिक्स हो चुके हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ये जो गाजर का हलवा है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, गैस को ऑफ कर दें और ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। इसे बनाने में टोटल हमें 1 घंटे लगते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा धैर्य के साथ ये हलवा बनाए तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने देखा कि मैंने जितना क्वांटिटी इसका लिया था, ये हलवा जो है वो पूरे इतने ऊपर से ये इतना सा रह गया है। सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐसे सजा दें ताकि ये हलवा दिखने में और भी अच्छा लगे और इसका स्वाद भी बढ़ जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा काजू बादाम और पिस्ता तीनों इसके ऊपर ऐसे गार्निश कर दिया है और ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।